हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है और अपने प्रचार अभियान में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने से वह नहीं चूक रहे हैं। हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर ने पूर्व की कांग्रेस सरकारों पर गरीब जनता के पैसों को हड़पने का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज नरेंद्र मोदी सेना के साथ खड़ा है, लेकिन कांग्रेस पाकिस्तान के साथ सुर मिलाने में लगी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बेटी के जन्म से लेकर छात्रवृत्ति और विवाह तक की राशि को कांग्रेस ने अपनी सरकारों के समय में हड़प्पा है, लेकिन मोदी सरकार ने गरीबों के पैसों को गरीबों के खातों तक पहुंचाने का काम किया है। उसके नाम की विवाह की राशि खा जाते थे, फिर वही बेटी कुछ सालों में विधवा हो जाती थी और उसके विधवा की पेंशन भी खा जाते थे। अरे जो बेटी पैदा नहीं हुई कांग्रेस के कार्यकाल में, वो खातों में पैदा भी होती थी, पढ़ती भी थी, स्कॉलरशिप भी लेती थी, शादी भी करती थी, विधवा भी हो जाती थी। हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस खा गई, लेकिन मोदी सरकार आई तो आधार के साथ सारे खाते जोड़ दिए और हिंदुस्तान का 1,00,000 करोड़ रुपया किसी ने बचाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आकर बचाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी है और कांग्रेस को देश की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि एक मजबूर और एक मजबूत प्रधानमंत्री में क्या फर्क होता है, इसका उदाहरण मोदी सरकार ने जनता को पिछले 5 सालों में दिया है। नरेंद्र मोदी और सेना के साथ खड़ा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलती है, लेकिन पूरी दुनिया 26/11 के हमले के बाद मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और भारत के साथ खड़ी नहीं हुई। पुलवामा हमले के बाद पूरी दुनिया के सारे देश नरेंद्र मोदी और भारत के साथ आकर खड़े हो गए। ये नरेंद्र मोदी की ताकत नजर आती है, ये बदलाव है। एक मजबूर और एक मजबूत प्रधानमंत्री में अंतर क्या होता है आपके सामने है। अरे ASAT ये टेक्नोलॉजी 2012 में भी हमारे विज्ञानी कर सकते थे, मनमोहन सिंह जी ने मना कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हां की तो वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर कर दिखाया। मोदी जी ने भारत को दुनिया के पहले 4 देशों में लाकर खड़ा कर दिया। अरे दुनिया में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हिंदुस्तान 11वें नंबर पर था, मोदी ने 5 सालों में ईमानदारी से सरकार चलाई तो जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, इस साल हम अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ देंगे और दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। यह मुकाम भी आपने हासिल कर लिया है।